दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के चंदेरी शहर में। आप मेरे सामने जो इमारत को देख रहे हैं ये बेहद खूबसूरत इमारत चंदेरी में बेहद ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत इमारत का नाम है शहज़ादी का रोज़ा। जी हाँ, इस इमारत का नाम जितना आश्चर्यचकित करता है उतनी ही आश्चर्य में डालती है इस इमारत के बारे में कही जाने वाली कहानी। जिस तरह से इस इमारत के नाम में ही शहज़ादी शब्द है तो उस कहानी का जो सारांश है वो भी शहज़ादी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नज़र आता है। जी हाँ, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है शहज़ादी का रोज़ा और 15वीं सदी में निर्मित ये इमारत हमें आज तक भी अपने स्वरूप में दिख रही है। बेहद खूबसूरत इसका प्रांगण है, आप देख सकते हैं पूरे पत्थरों पर निर्मित इमारत है। हम अंदर जा रहे हैं और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमें दो कब्र दिखाई देती हैं जिसमें एक कब्र का आकार छोटा तथा एक कब्र हल्की सी बड़ी नज़र आती है। इन दो कब्रों के अतिरिक्त इसमें दो कब्र और भी हैं, लगभग मतलब कुल मिला के चार कब्र इस मकबरे के अंदर हैं। देख सकते हैं कितनी सुंदर नक्काशी, कितनी सुंदर कारीगरी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और ये दो कब्र हैं और दो कब्र ये इस तरफ भी हैं। ये दो साइड वाली कब्रों की कहानी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुख्य कब्र बीच में जो दो बनी हैं उनके बारे में जो स्थानीय नागरिक है उन्होंने हमें बताया कि यहीं पे वो चरवाहे थे, भैंस को चरा रहे थे अपनी। उन्होंने हमें ये कहानी बताई कि यहाँ पे एक मुस्लिम शासक थे जिनकी एक बेटी थी और उन्हीं की सेना में एक हिंदू सेनापति थे जिससे उस मुस्लिम राजकुमारी को इश्क हो जाता है और इश्क परवान चढ़ने लगता है। किंतु जब ये बात उस राजा को पता चलती है तो वो सेनापति की हत्या करवा देता है। जब शहजादी को ये बात पता चलती है कि उनके प्रेमी की हत्या उनके ही पिता द्वारा करवाई गई है तो वो शहजादी काफ़ी दुखी होती है और उसी दुख में वह भी अपने प्राण को त्याग देती है। फिर उन दोनों की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया जाता है और दोनों को यहीं पर साथ में सुपुर्द खाक किया जाता है। दोस्तों आप सामने एक होज देख सकते हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक उनका ऐसा कहना है कि कभी इस जगह पे इतना पानी हुआ करता था कि ये इमारत आधी डूबी रहती थी उस पानी के अंदर। ऊपर का जो गुंबज है वो शायद क्षतिग्रस्त हो गया है, इस वजह से ऊपर गुंबद नहीं है, पर इसकी नक्काशी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मोहित करती है। और अगर आप चंदेरी आएँ तो शहज़ादी का रोज़ा देखने ज़रूर आएँ। ऐसा कहा जाता है कि जो शहज़ादी है वो इस जगह पर आकर अपना रोज़ा खोला करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम भी शहज़ादी का रोज़ा पड़ गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे मधुमक्खियों ने अपने कितने सारे घर बना लिए हैं, कितने सारे छत्ते उसने यहाँ पे बनाए। तो दोस्तों अगर आप चंदेरी आना चाहते हैं और अगर आप चंदेरी सच में भ्रमण कर रहे हैं तो इस जगह पर आना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सच में एक अद्वितीय, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जगह मुझे प्रतीत हुई है। मानो आज भी उन दोनों का प्रेम यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है, अपने इश्क को बयां करती हुई ये इमारतें आज भी यहाँ पे उसी स्वरूप में खड़ी हुई हैं। मानो दोनों हमसे कह रहे हों कि हमारी इश्क और हमारा प्यार आज भी ज़िंदा है, तुम आओ और उस इश्क को महसूस करो, उस प्यार को देखो। इस इमारत के बारे में एक ख़ास बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि इस इमारत से जब आप सामने की ओर देखेंगे तो आपको एक सफ़ेद रंग का मंदिर नज़र आएगा, वो भगवान लक्ष्मण का मंदिर है। और उसी के सामने वीर भारत सिंह बुंदेला की भी छतरी स्थापित की गई है। लक्ष्मण मंदिर के सामने एक बहुत ही विशाल तालाब भी देखने को मिलता है। इस इमारत में ज़्यादा लोग अभी नहीं हैं, कुछ ही लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पर ये इमारत अपनी खूबसूरती से चंदेरी आने वाले हर उस शख्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर करती है। इमारत की बाहर की अगर हम बात करना चाहें तो इसमें बाहर आप पत्थरों की नक्काशी को भी बहुत बखूबी रूप से देख सकते हैं, कितनी खूबसूरती से इनको ढाला गया है।
और आप देख सकते हैं लगभग 5 फुट की ऊंचाई वाले चबूतरे पर इस मकबरे का निर्माण किया गया है। इसके आसपास पत्थरों से ही एक प्रांगण का भी निर्माण किया गया है। साफ सफाई का यहाँ पे देखिए कितना ध्यान रखा गया है, और लगभग हर पत्थर में किसी ना किसी तरह की नक्काशी भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये चंदेरी की बहुत सारी खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे कहा जाता है शहजादी का रोज़ा, जो शहजादी और सेनापति के अटूट प्रेम का बखान आज भी लगभग 600 साल बाद भी करती हुई हमें दिखाई देती है। कितनी सच्ची उनकी मोहब्बत रही होगी, जो आज भी अपने उसी स्वरूप में हमें दिखाई पड़ती है। ये था चंदेरी का एक भाग। जय हिंद।